हेलो लेजेंडरी गेमर्स। तो गाइस आज अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट पे हम लोग एक नहीं दो नहीं लिटरली गाइस इतने सारे ओपी ओपी आइटम्स निकालने वाले हैं। एक सेकंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि एमडीस भाई ये कौन सा सर्वर है। बात तो सही है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा आज के जो विनर वे ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, और गाइस आज इनके अकाउंट को अपन लोग बनाने वाले हैं। बोले तो अकाउंट। तो गाइस जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, खूब मजे करते हैं हम। तो गाइस बात कीजिए भाई की डिमांड की, तो भाई ने कमेंट्स भाई आपको जो अच्छा लगे वो निकल गए। तो एंड गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले लक रॉयल के अंदर से। लिटरली गाइस क्या क्या अवेलेबल भी इसके अंदर, एंड फायरिंग शॉटगन तो भाई साहब इस अकाउंट पे चाहिए चाहिए भाई। फायरिंग शॉटगन तो निकाल के रहेंगे चाहे जितना भी डायमंड लगे। चलो भाई, एंड गाइस यहाँ पर देख सकते आप लोग क्या क्या ओपी ओपी माल अवेलेबल हुई है। क्या बोला तूने? ओपी ओपी माल अवेलेबल हुई है। और गाइस ये इमोट तो एकदम एपिक लेवल का। तो यहाँ से अगर ये इमोट या फिर ये बंडल में से कुछ भी मिल गया ना गाइस तो मजा आ जाएगा। लेट्स सी गाइस देखते क्या होता है। एंड यहाँ पर मैं क्या निकालूं सबसे पहले यही समझ में नहीं आ रहा यार। ये समस्या है, हमारे सर्वर में कुछ चलता नहीं एंड इनके सर्वर में इतना आता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो रहने दो फिर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कहाँ से स्टार्ट करें? सीरियसली गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके आई थिंक सो यही से स्टार्ट करना चाहिए गाइस। तो करना जैसे भी आप लोग देख सकते हो कितने ओपी ओपी आइटम अवेलेबल है। यहाँ से मेरे को एटलीस्ट एक बंडल तो चाहिए, या तो ये। और स्पिन के ड्यूरेशन में अगर कुछ अच्छा मिल गया तब तो भाई मजा आ जाएगा। ये वेपन की स्किन हमारे सर्वर में फ्री में मिली है ना, दैट्स व्हाई यार वेपन के स्किन को निकालने में मजा नहीं है भाई। इनमें से कोई एक ओपी आइटम मिल गया ना भाई का अकाउंट में मजा आएगा। लेट्स सी गाइस देखा जाए। पहला स्पिन अपन लोग करने वाले हैं। पहले स्पिन को टोकन तो मिलेगा ही, लेकिन गाइस टोकन के अलावा हम लोगों को चाहिए कि कोई एक ओपी सा आइटम भी मिले। अगर टोकन के अलावा कोई ओपी सा आइटम यहां से मिल गया ना भाई मजा आ जाएगा। एंड अगर डायमंड मिल गए तब तो और भी मजे ही मजे, पैसा ही पैसा होगा। खैर यार आप लोग कमेंट करके बताओ जितने भी मैं स्पिन करने वाला हूँ स्पिन के ड्यूरेशन में क्या हम लोग को डायमंड या फिर डायमंड के अलावा कोई ओपी आइटम मिलेंगे या फिर नहीं। ओके यहाँ से नहीं यार, एक भी ओपी आइटम नहीं मिला यहाँ से, बस क्रेट मिल रहे जो कि क्रेट हमें चाहिए नहीं। और हाँ एक्सचेंज में कितने टोकन पे क्या मिल रहा है वो तो देखा ही नहीं। अबे 25 टोकन कुछ ज्यादा नहीं ले रही है लोग। ओके और ये जो वेपन की स्किन हम लोग को फ्री में मिली थी इसके बदले हम लोग को देने पड़ेंगे 26 टोकन। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई? ये तो नहीं चाहिए मेरे को, ये बंडल चाहिए यार। इन दोनों में से कोई एक बंडल चाहिए। और भाई देख सकते हो 35 टोकन लिटरली इस वाले वेपन की स्किन के लिए ना भैया। वेपन की स्किन नहीं चाहिए हमें, हमें फायरिंग शॉटगन चाहिए वो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ से गाइज हमें चाहिए एक एपिक सी बंडल। चलो यार एक और बार स्पिन करते हैं। एंड यहाँ पर मैं स्किप करने वाला हूँ। ओके हमें टोकन मिल चुकी है यार, टोकन के अलावा एक तो आइटम दो भाई, दिल से बुरा लगता है भाई। अबे 3 टोकन हो चुके गाइस। ओके यहाँ पर फिर से नहीं यार, ये गलत बात है गाइस यार, ये गलत सीन हो रहा है गाइस। चलो एक और बार स्पिन की जाए। एंड इस बार क्या हम लोगों को भाई टोकन के अलावा? नहीं यार ये गलत करते है गाइस गाइडा वाले, कोई बात नहीं। चलो गाइस एक और बार स्पिन की जाए। एंड आई होप इस बार हमारे साथ स्कैमिंग 200 नाउ एंड टोकन के अलावा कुछ और अच्छे आइटम मिले, ये गलत बात है भाई। यार एक तो गई ना इवेंट पे गोल्ड नहीं डायमंड खाती है, अब बस कर यार। इतना टट्टी आइटम देख के लोगों को बहुत हंसी आती है। बस यार बस करो भाई, टट्टी पे टट्टी दिए जा रहे गाइस, ये गलत बात है भाई। अभी तक सिर्फ हमारे पास 9 टोकन ही कलेक्ट हुए एंड एटलीस्ट एक बंडल को निकालने के लिए हम लोगों को 18 टोकन तो चाहिए ही चाहिए होंगे भाई। ये भाई का अकाउंट कुछ ज्यादा महंगा पड़ रहा है मेरे को। चलो गाइस एक और बार स्पिन किया जाए। एंड इस बार एक्सपेक्टेशन मेरे को है एंड इस बार पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है टोकन के अलावा कुछ ना कुछ ओपी आइटम तो मिलेगा, ये गलत बात है यार। ओके क्रेजी बनी MP40 का क्रेट मिला है। वैसे ये देख देखकर अब मैं बोर हो चुका हूँ क्योंकि क्रेजी बनी MP40 के अंदर से किसी के अकाउंट पे लिटरली आज तक एक बार भी क्रेजी बनी MP40 परमानेंट नहीं मिली है जितनी बार मैंने ओपन किया। अगर आप लोग को मिल गया हुआ तो आप लोग को लगा अच्छा हुआ, आई नो वेरी वेल, बट यार हमें नहीं मिलती भाई। ये लो एक टोकन मिला भाई, टोकन में निपटा रहे लिटरली गाइस। और ये लक रेट तो भाई 0 पे 0 है, बढ़ी नहीं रहा ये लक रेट। दिस इज बिजनेस। एंड हम लोग को चाहिए होगा 18 टोकन एक बंडल लेने के लिए। चलो गाइस यहां से बंडल लेके पहले फुर्सत से निकलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि यार मेरे को लग रहा है ना टोकन के अलावा लिटरली ये लोग कुछ भी नहीं देने वाले। एंड पता नहीं हम लोग को कितने स्पिन करने पड़ेंगे, आई डोंट नो। एंड आई होप 18 टोकन के अंदर अंदर ना हम लोगों को कोई एक तो ओपी माल मिले। सीरियसली गाइस बस टोकन पे टोकन दिए जा रहे यार ये लोग, पैसा बर्बाद। बस 5 स्पिन है, अगर 5 स्पिन पे कोई ओपी माल नहीं मिला ना तो भाई मैं रो दूंगा गाइस, लिटरली मैं रो दूंगा। बस करो यार भाई कितना डायमंड खाओगे भाई, बस कर भाई।
ये गलत सीन हो रहा है गाइस। ओके यहाँ पर हमारे पास टोटल हो चुके 15 टोकन एंड अभी भी चाहिए होंगी हमें 3 टोकन। लेट्स सी क्या 3 टोकन के ड्यूरेशन में हमें कोई एक ओपी आइटम मिलती है। यार लक्षण सही लग रहेगा इना वाले के, बस यही दो तुम लोग साड़ो। रिलैक्स जोगिंदर रिलैक्स। शर्म वरम तो आते नहीं सब्सक्राइबर के अकाउंट को खाली करने में, बस करो यार टोकन पे टोकन, यार टोकन पे टोकन गाइस। एंड ये बनी MP40 में देखता हूं ना, मेरे खून कॉल उठता है भाई, कभी भी इस अकाउंट पे परमानेंट नहीं मिली है बनी MP40। इसके क्या किसी भी अकाउंट पे नहीं मिलती है बनी MP40 परमानेंट, बस ये शो के लिए होती है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन यूज कर लो उसके बाद खत्म। और ये डायमंड क्या शो के लिए दिया पागलो, अबे डायमंड दे दो एटलीस्ट। नहीं आइटम नहीं दे रहे तो ओके एक और बार ओके करते हैं। एंड ये लोग गाइस यहाँ पर स्कैम इनटू 100 हो चुका है एंड हमें टोटल मिल चुकी है 18 टोकन। तो यहाँ से गाइस अपन लोग बंडल को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये बंडल लिया जाए या फिर ये बंडल लिया जाए। दोनों ही बहुत सही लग रहे हैं फिलहाल। यार आप लोग डिसाइड करो एंड कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताओ कौन सा बंडल लिया जाए। तब तक हम लोग निकालने वाले हैं ये वाली फायरी शॉट गन। एंड चलो गाइस देखते हैं यहाँ पर दिमाग का कितना ज्यादा भो होने वाला है। लेट्स सी, समझ रहे हो। एंड गैना वालों देखो मजाक मत करना भाई, इस वाले इवेंट में तो स्कैम इन 200 हो गया, लेकिन यहाँ पर यार एटलीस्ट फायर शॉटगन की बात है, एटलीस्ट हम लोगों को कोई अच्छा आइटम दिलाना। ओके एक टोकन मिल चुकी है, टोकन के अलावा ओके टोकन के अलावा बस क्रेट मिले हुए, यही चीज मेरे को बहुत बुरा लगता है गाइस। बस क्रेट 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 भाई क्या करेंगे हम लोग इतने सारे क्रेट का, भाई बताओ तुम यार इतने सारे क्रेट का हम लोग क्या करेंगे। ओके एक और बैट स्पिन किया अपन लोगों ने और यहाँ से हमें भाई देख सकते हो गाइस कितने टट्टी आइटम देते हैं यार। एंड ये टट्टी आइटम ज्यादा है भी नहीं, देख सकते हो आप लोग बस गिने चुने हैं भाई, लेकिन यही मिलता है हर स्पिन पे, एटलीस्ट क्रेट तो ढंग के दे दो। और ये सारे गन के स्किन क्या मतलब शो के लिए दिए हुए पागल हो। ओके भाई के पास ये परमानेंट था क्या, चलो ठीक है बट कोई बात नहीं यार ये सब तो दो भाई, आप दो ना आप दो ना। और डायमंड तो भाई भूल जाओ यार, गलती से कभी मिल गया तो मिल गया वरना भूल जाओ, डायमंड तो मिलने वाला है नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मेरे को डायमंड से। बस इसके अलावा कोई और वेपन की स्किन परमानेंट मिल जाए ना तो भाई एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन रही कि हाँ भाई एटलीस्ट एक ढंग की वेपन की स्किन तो परमानेंट मिली। और टोकन के अलावा नहीं भाई यहाँ पे देना ही नहीं है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गैना वालों ऐसा बात करो यार, अब तो रहने दो, अब तो डायमंड मत खाओ भाई, मेरे को गुस्सा आ रहा है, जैसे बता रहा हूँ मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई। मैं गैना वालों औकात से बाहर मत जाया करो एंड सालो डायमंड मत खाया करो यार, दे दो कोई एक तो रेयर आइटम दे दो भाई, टोकन मिली है। एंड लो भाई साहब देख रहे भाई फ्रेगमेंट्स लिटरली कितने सारे फ्रेगमेंट दे रहे हैं। एंड ओके मैक 7 की स्किन परमानेंट मिली है, क्या बात है सर। भाई मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैं इसको क्रेट समझ रहा था गाइस। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वैसे मैक 7 की स्किन एक परमानेंट मिल चुकी है। और यहाँ से चलो ठीक है एटलीस्ट एक मैक 7 की स्किन तो परमानेंट मिली। एंड हम लोग को चाहिए होंगे 15 टोकन, चलो अभी बहुत दूर है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है यार 15 टोकन में। एंड एक वेपन की स्किन तो परमानेंट मिल चुकी है, लेट सी और कोई वेपन की स्किन हम लोग को परमानेंट मिलती है फिर नहीं मिलती। एंड 8 टोकन टोटल हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग को मिल चुके हैं टोटल 9 टोकन। एंड इस बार देख सकते हो गाइस कितने सारे वेपन के क्रेट इन लोगों ने दिया, ये आया ना मजा देखकर। चलो गाइस एक और वर्ड स्पिन करते हैं। एंड यहाँ पर टोटल हो चुके 10 टोकन और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5 टोकन। अबे ये सब देते ना भाई बहुत दिमाग खराब होता है गाइस मेरा लिटरली। अगर गैना वाले बगल में बैठे रहते ना तो पता है मैं उसको किडनैप करके इतना कूटता वो भी आईने में खुद को देखकर पहचान नहीं पाता, मैं उसको इतना कूटता भाई, इतना टट्टी आइटम खान दिलाता है यार। ओके एक और बार टोकन मिली है। एंड ये लो भाई देख रहे हो भाई ये चेहरे देख देख कर ना मेरे को बहुत गुस्सा आने लगा है। भाई फ्रेगमेंट पे फ्रेगमेंट, पता नहीं कितने फ्रेगमेंट ये लोग दिलाते हैं। एंड यहाँ से 11 टोकन हो चुके हैं टोटल, तो ये लो 12 टोकन। एंड अभी तक सिर्फ एक ही वेपन की स्किन परमानेंट मिली है ना हमें, हाँ एक ही वेपन की स्किन परमानेंट मिली है भाई। ये सारे कितने अच्छे अच्छे वेपन की स्किन यार, ये भी अगर परमानेंट मिलते ना, उर्दू है बट स्टिल अगर परमानेंट मिलते ना बहुत मजा आता। एंड यहाँ से फायरी शॉटगन तो इजी पीजी तरीके से लोग निकाल ही लेंगे, बस 2 टोकन बची हुई है। चलो गाइस देखते हैं क्या 2 टोकन के ड्यूरेशन में और कोई वेपन की स्किन परमानेंट नहीं मिलेगी। यार एक्सपेक्टेशन भाई मेरी एकदम खत्म सी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट नहीं मिलने वाली, मेरे को पता था भाई नहीं मिलने वाली परमानेंट, बट चलो कोई ना हमारे पास हो चुके हैं टोटल 15 टोकन। एंड यहाँ से फायरी शॉटगन को जल्दी से निकाल के ले जाए। तो गाइस अब आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि मैं फ्री फायर में फ्री में डायमंड्स कहाँ से लेता हूँ एंड आप लोग फ्री में डायमंड्स कैसे ले सकते हो। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी विंजो गोल्ड एप्लीकेशन की, जल्दी से डाउनलोड करो। एंड हाँ जो लोग पहले डाउनलोड करेंगे विंजो गोल्ड एप्लीकेशन को 200 लकी विनर को मौका मिलेगा 1000 डायमंड जीतने का। बस आप लोग को विंजो गोल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करनी है एंड इनमें तो किसी भी एक गेम को खेलकर जीतनी है। अगर आप लोग जीत गए तो 200 लकी विनर को 1000 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिलेगा।
और गाइस विंडो गोल्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग देख सकते हो आप लोग को इतने आसान आसान से गेम्स दिखा जाएंगे। एंड हाँ, ये सारे गेम बिल्कुल फ्री है। एंड अगर आप लोग इन सारे गेम्स को खेल कर टॉप 5, टॉप 3, टॉप 1 बना लेते हो तो आराम से आप लोग 2 से 3 हज़ार डायमंड बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। एंड आए दिन यहाँ पर 10,000 डायमंड की गिव अवे, एलिट पास, क्रोनो करेक्टर, डीजालो करेक्टर एंड बहुत सारे ओपी ओपी आइटम्स मिलते रहते हैं। आप लोग को चले जाना प्रमोशन वाले सेक्शन पे एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्रोनो करेक्टर की गिव अवे चल रही है, कभी एलिट पास, कभी डीजे आलो, कभी डायमंड्स, इस तरीके की गिव अवे चलते रहती है। एंड आने वाले टाइम पे बंडल की भी गिव अवे बहुत जल्द होने वाली, ओपी ओपी बंडल भी अवेलेबल होगी। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग को किसी भी 3 गेम्स को खेलने हैं, यहां पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड फ्री में डायमंड्स चाहिए तो आप लोग को गेम्स खेलनी होगी एंड टॉप 3, टॉप 5 में अपनी जगह बनानी होगी, उससे आप लोग ढेर सारे डायमंड्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगी विंडो गोल्ड एप्लीकेशन की, जल्दी से डाउनलोड करो एंड फ्री में ढेर सारे डायमंड्स, डीजे आलो करेक्टर एलिट पास ले लो। और ये लो भाई साहब, एक एपिक सी और वेपन की स्किन भाई के अकाउंट पे ऐड हो चुकी है। नाउ अब बारी है इस वाले सेक्शन के अंदर जाने की। एंड गाइस अभी मैं एक तुक्का मारने वाला हूं, क्योंकि देखो मेरे को नहीं पता है आप लोगों ने कौन सा बंडल कमेंट किया है, ये वाला बंडल कमेंट किया है या फिर ये वाला बंडल कमेंट किया। ठीक है, अभी मैं तुक्का मारने वाला हूं एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैं सही जा रहा हूं या फिर नहीं जा रहा हूं। चलो गाइस, मैं फिलहाल के लिए ये बंडल सिलेक्ट करने वाला हूं एंड देखते हैं कितने सारे बंदों ने इस वाले बंडल को सिलेक्ट किया था। और चलो गाइस, ये वाली बंडल भी भाई के अकाउंट पे आप लोगों ने परमानेंट निकाल लिए और जरा देखे तो ओके भाई, क्या ही ओपी लग रही है। चलो शॉटगन की स्किन को भी फटाक से क्लेम की जाए। A few moments later. और गाइस क्या ही एपिक लग रही है भाई साहब, भाई का अकाउंट कितना ज्यादा जहर लग रहा है। गाइस एक और आइटम अभी निकालना बाकी है यार, यहाँ से ये बंडल एंड साथ में ये वाली खतरनाक सी इमोट, इन दोनों में से कोई एक भी आइटम परमानेंट निकल गया ना गाइस मजा आ जाएगा। एंड चलो यहाँ से किसी दो फुद्दू आइटम को हम लोग डिसलेक्ट कर लेते हैं, ये तो निकल चुकी है तो इसी को डिसलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ से ये क्या है भाई, अरे डायमंड के क्रेट है, इसको नहीं करना। ओके हाँ, ये कर लेते गाइस। चलो ठीक है, ये दोनों आइटम को डिसलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से गाइस स्पिन का लोगों ने स्किप करते हैं। ओके, हम लोगों को मिली है वेपन रॉयल वॉचर, नॉट अ बैड डील। एक और बार स्किप किया हम लोगों ने। ओके, डायमंड के क्रेट मिले, प्लीज गोल्ड मत देना, प्लीज गोल्ड। ओके, दो डायमंड, चलो यार एटलीस्ट गोल्ड तो नहीं दिया इन लोगों ने। नाउ अब बारी एक और स्पिन की एंड ये मैंने क्या स्किप, और हमें मिला है डायमंड रॉयल वाउचर। एक और बार स्पिन एंड ये क्या मिला हमें। ओके ठीक है, ओपन कर लेते 24 घंटे के लिए मिला। अच्छी भाई। एंड गाइस अब बारी है सिलेक्शन की, तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये बंडल हम लोग को मिलने वाली या फिर ये इमोट मिलने वाली। चलो गाइस देखते क्या होता है, बंडल या फिर इमोट। ओपी गाइस, बंडल मिल चुकी है और गाइस हम लोग को फाइनली मिली है बंडल। एंड चलो जल्दी से फास्ट इक्विप कर लिया अपन लोगों ने। एंड ओरे भाई देख रहे हो, ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, क्या जहर लग रहा है गाइस ये बंडल। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं लकरोयल के अंदर। एंड यार अब बारी है इस वाले सेक्शन के अंदर जाने की। एंड गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ग्लुअल की स्किन साथ में फिश की स्किन अवेलेबल है। यार मैं पर्सनली चाहता हूं ये ग्लुअल की स्किन निकालने के लिए एंड अगर फिश की स्किन भी मिल गई तो ओपी ओपी। एंड यहां से फिर से हम लोग किसी दो आइटम को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों में से कोई एक भी आइटम मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो गाइस देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। तो पहले किसी दो फुद्दू आइटम को कर लीजिए डिसलेक्ट। चलो इन दोनों फुद्दू आइटम को हम लोगों ने कर लिया डिसलेक्ट और यहां पर भी डायमंड के क्रेट है, मजा आएगा गाइस इसको निकालने में। चलो गाइस पहला स्पिन लग चुका है एंड पहले स्पिन पे हमें मिला है भाग यार ये टट्टी टट्टी अभी आइटम ही चाहिए भाई। ओके, डायमंड के क्रेट फिर से मिल गए। चलो गाइस देखते हैं इस बार डायमंड मिलेगी क्या। फिर से दो डायमंड, यार ये गलत बात है गाइस, दो दो डायमंड देते यार ये लोग। एक और बार स्पिन एंड यहां से हमें मिल चुकी है इनक्यूबेटर रॉयल वाउचर। चलो गाइस एक और बार स्पिन करते हैं और ये क्या एक एक ही क्रेट है और ये 3 दिनों के लिए हमें मिला है। चलो ठीक है, नॉट अ बैड डील। और यहां से ये रॉयल वाउचर भाई 299 डायमंड में, पागल है क्या ये लोग भाई, ये गलत सीन हो गया गाइस। 299 डाउन में ये गोबर कौन दिलाता है यार, मेरे को डायमंड टॉप करना पड़ेगा यार इसके लिए, ये बहुत गलत हुआ गाइस। बोलो से बाकी से यार, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, मैं थोड़े और डायमंड टॉप करके आता हूँ। A few moments later. यार गई ना वाले नल्ले नी नल्ले इंटू 100 है भाई, बताओ यार एक ग्लुअल के स्किन के लिए अपन लोगों को डायमंड टॉप करना पड़ गया गाइस। एंड चलो अब देखते हैं हम लोगों को क्या मिली है, ग्लुअल की स्किन या फिर फिश की स्किन। एंड फिश की स्किन नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं है, बट ग्लुअल की स्किन ओपी वाली मिल चुकी है। तो भाई के अकाउंट पे खतरनाक सी ग्लुअल की स्किन, एपिक सा फायरी शॉटगन का स्किन, साथ में खतरनाक सी बंडल एंड गाइस ओपी वाली दो दो बंडल मिल चुकी है भाई के अकाउंट पे। भाई का अकाउंट लिटरली बहुत ज्यादा ओपी बन चुका है। एंड चलो यार वीडियो को यहां पर एंड करते हैं, मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।